वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं अफजल और आप देख रहे हैं अफजल LLB यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि समन रिसीव ना करने पर क्या होता है या फिर समन पर वारंट होने पर क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग अगर किसी को कोई समन रिसीव होता है समन जाता है तो वो रिसीव ही नहीं करता या फिर समन को लेने से मना कर देता है, तो उसके बाद उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है वो आज सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड की हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए समय ना गंवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप कोर्ट द्वारा भेजे गए समनों को रिसीव नहीं करते हैं या फिर समनों को रिसीव करने के बावजूद भी अगर आप कोर्ट में नहीं जाते हैं तब क्या होगा, तो यहाँ पर ये समझ लीजिएगा कि अगर आप समनों को रिसीव नहीं करते हैं तब क्या है कि जो भी पोस्टमैन जो भी समन लेके जाएगा वो क्या करेगा कि उस पर लिख लेगा कि समन लेने से मना कर दिया। तो समन लेने से मना करने का मतलब ये होता है कि उसे पता है कि उसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में कोई केस चल रहा है या फिर उसे केस की जानकारी है। यहाँ पर ये मान लिया जाता है कि उसे केस की जानकारी है और यहाँ पर तामील माने जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में अगर आरोपी व्यक्ति अगली तारीख पर जो भी समन में जो तारीख दी हुई है कि अगली तारीख पर उपस्थित होना है, अगर उस तारीख पर उपस्थित नहीं होता है तो आरोपी व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी कर दिए जाते हैं। क्लियर। दूसरी कंडीशन, अगर आप समन रिसीव करने के बाद ठीक है अगर फिर भी कोर्ट नहीं जाते हैं तब भी आपके समन तामील तो मान लिया जाएगा, समन तो तामील हो गया है लेकिन आप नहीं जाते हैं तो अगली तारीख पर कोर्ट से वारंट जारी कर दिया जाएगा। पहले जमानती वारंट होता है और कभी कभी गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में पुलिस कभी भी आपको गिरफ्तार कर सकती है। दूसरी बात यह है कि आपको पता ही नहीं चला और आपके खिलाफ समन भी नहीं डायरेक्ट वारंट हुए, तो ऐसा होता है कभी कभी कोई पार्टी चालाकी से ऐसा करती है कि जो भी समन होते हैं केस में वो समनों को मरवा देती है, किसी भी तरह से कोई सेटिंग हो जाती है उनकी और समनों को मरवा दिया जाता है या समनों को आपको रिसीव होने ही नहीं दिया जाता ताकि आपकी सीधी गिरफ्तारी हो, इसलिए ऐसा होता है ठीक है। या फिर कभी कभी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ जो है जो प्रशासनिक बोलते हैं पुलिस की वजह से पोस्टमैन की वजह से लोगों को समन रिसीव नहीं हो पाते हैं या फिर समन बीच में ही मरवा दिए जाते हैं और पुलिस उन्हें डायरेक्ट गिरफ्तार करने के लिए जाती है ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ही कंडीशन में मतलब कि जब पुलिस गिरफ्तार करने जा रही है तो इसका मतलब ये है कि उनके खिलाफ किसी भी केस में वारंट चल रहे हैं या फिर आप समन को लेने से मना कर देते हैं तब भी पुलिस आपके खिलाफ वारंट कर देगी या फिर आप समन लेने से मना कर देते हैं या फिर समन रिसीव करने के बैठ जाते हैं तब भी आपके खिलाफ वारंट जारी कर दिए जाएंगे। तो पुलिस तीनों ही कंडीशन में आपको गिरफ्तार करने आएगी या फिर कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। और ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, अगर आपको ऐसा कुछ पता चलता है ठीक है तो बेहतर ये है कि आप समन पर कोर्ट जाएँ पहली बात और अपनी ज़मानत कराएँ और ज़मानत कराने के बाद कोर्ट में अपना पक्ष रखें, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर आपको कुछ भी पता नहीं चल पाया है और आपके अगर वारंट चल रहे हैं तब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करे उससे बेहतर यह है कि आप कोर्ट में अपने आप को सरेंडर करें। सरेंडर कैसे करेंगे, आपको एक अच्छा सा वकील करना है और वकील कुछ पेपर्स तैयार करेगा और तब आपको कोर्ट में सरेंडर करेगा और वहाँ से आप अपनी ज़मानत करा सकते हैं, मतलब तभी भी आप ज़मानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि आप सरेंडर के बाद उसी दिन आप जो न्यायिक हिरासत है उससे बाहर आ जाएं और आप आज़ाद हो जाएं, उसके बाद आप कोर्ट से अपना पक्ष रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए कि अगर जो जज है जो भी मजिस्ट्रेट है अगर आपका वकील उसे कन्वेंस नहीं कर पाया या फिर सही रीज़न नहीं बता पाया कि ये इतनी दिनों से समन रिसीव करने के बावजूद भी क्यों नहीं आया, क्या रीज़न था, अगर ठीक से कन्वेंस नहीं हुआ या फिर उसने नहीं समझा या फिर उसने नहीं माना तो उसे वो जेल भी भेज सकता है, उसके बाद भी आप जमानत करा सकते हैं ठीक है। और जमानत कराने के बाद जो भी आरोपी पक्ष है वकील के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है। तो जहाँ तक मैंने जो आपको बात बताई वो यही बताई है कि अगर समन पर वारंट होते हैं या फिर समन रिसीव करने के बाद या फिर आप रिसीव नहीं करते हैं या फिर आप समन मान लीजिए कि जा रहे हैं आप हैं ही नहीं, तो उस कंडीशन में जब तक आपको समन रिसीव नहीं हो जाएंगे तब तक कोर्ट वारंट नहीं करता है। लेकिन अगर कोर्ट को ऐसा कुछ एहसास हो कि विपक्ष को जो भी आरोपी पक्ष है उसे केस के बारे में मालूम है या फिर वो जानबूझ के समनों को रिसीव नहीं कर रहा है या फिर वो जानबूझ के भाग जाता है, तो उस कंडीशन में उसके मन पर डिपेंड करता है, वो चाहे तो डायरेक्ट जो वारंट जारी करके आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी करा सकता है ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, मतलब ये है कि इसके बाद आरोपी पक्ष है अपनी ज़मानत कराए, अगर वो जेल जाता है तो
उसे मजिस्ट्रेट से जेल भी भेज सकता है, उसके बाद वो अपनी जमानत करा करके कोर्ट में अपना पक्ष रख सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस है समन पर। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपके खिलाफ वारंट हो जाते हैं, उस कंडीशन में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।